हमारे सभी व्यूवर्स, आज हम आप लोगों के श्रवण के लिए श्रीमद् भगवद गीता के इंक्यावनवे श्लोक से श्लोक क्रमांक 60 तक अर्थ सहित पाठ करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप में दलदल को भरी भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों के वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों से सुनने में विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीह किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि का पुरुष क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिर प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं की भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेषु नुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जो सर्वथा नहीं अस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्भिस्त्रे है हस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही सब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर ऐसा समझना चाहिए। वेशया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जय रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती हैं। ये हमने 51 से 60 श्लोक तक का पाठ किए। अब हम अगले भाग में 61 से श्लोक क्रमांक 72 तक पाठ करेंगे। आगे भाग में आप लोग ध्यान से सुनिए।